आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन किस डेट को होगा, कौन से शहर में होगा और कितने दिन तक चलने वाला है ये मेगा ऑक्शन, सारी जानकारी लेकर के आपका भाई आ गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आईपीएल की जितनी भी टीम है वो अपनी टीम में किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और पॉसिबिलिटी क्या है कि किन खिलाड़ियों को रिलीज कर देगी, ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे यार, आप सभी को मेरा बहुत ही ज्यादा प्यार और साथ ही साथ आप सभी को नमस्कार। जानेंगे इस वीडियो में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से लेकर के सारे आईपीएल 2025 के सारे अपडेट्स को लेकर, इसलिए वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर वहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस के साथ ही साथ ड्रीम इलेवन और फैंटेसी क्रिकेट के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं। ये वीडियो और भी ज्यादा इसलिए रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीएल 2025 में कौन सी टीम अपने कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में होना, और ये आईपीएल मेगा ऑक्शन हर 3 साल में होता है, और इसके पहले जो आईपीएल मेगा ऑक्शन हुआ था वो 2022 के फरवरी के टाइम पर हुआ था, इसलिए आपको ये भी पता चलेगा कि आईपीएल मेगा ऑक्शन इस बार 2025 में किस समय किस डेट पे कौन से शहर में कितने दिन तक चलने वाला है। तो सारे ही जितने भी क्रिकेट फैंस हमारे और आपके जैसे होते हैं उनको इस बात के जानने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी इसलिए होती है क्योंकि आईपीएल मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी दूसरी टीम में जाते हुए नजर आते हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार तो होने वाला है। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 कब और किस वेन्यू पर किस डेट को होगा उसको बताने से पहले आपका रोमांच बढ़ाने के लिए आपको ये बता देते हैं कि कौन सी टीम कितने और कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में रिटेन करने जा रही है। वहीं अगर हम 2022 के आईपीएल नियम की बात करें, जो रिटेंशन का रूल था, रिटेन वाला नियम, उसके अकॉर्डिंग हर टीम 3 इंडियन खिलाड़ी और 1 विदेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकती थी, और आईपीएल 2025 में अगर नियम में बदलाव नहीं होता है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि इस बार नियम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले, जहां पर 2 विदेशी खिलाड़ी और 3 इंडियन खिलाड़ी को रिटेन करने की पॉलिसी आ सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम उस हिसाब से बताएंगे जैसा कि आईपीएल 2022 में देखा गया था कि हर एक टीम पर 3 इंडियन खिलाड़ी और 1 विदेशी खिलाड़ी को रिटेन किया जा सकता था। आइए जानते हैं एक एक टीम के बारे में कि कौन से खिलाड़ी किस प्लेयर को अपनी टीम में रखना चाहेगी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सी आईपीएल टीम किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रिटेन करते हुए नजर आ सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटन से। गुजरात टाइटन में हमें अगर 3 इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो हो सकता है कि शुभमन गिल, मोहम्मद शमी और साई सुदर्शन को टीम रिटेन करेगी। वहीं अगर एक हम विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो वो खिलाड़ी राशिद खान जरूर रहने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम में और आपकी टीम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं हमारे और आप सभी की फेवरेट टीम आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी जिन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है उसमें जो 3 इंडियन खिलाड़ी, उसमें हमारे विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और यश दयाल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो विदेशी खिलाड़ी हैं उसमें हमको कैमरन ग्रीन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को फैब डुप्लेसिस लग रहे हो तो हमारी रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि फैब डुप्लेसिस हो सकता है कि आरसीबी टीम से रिलीज कर दिए जाएं। वहीं अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद में अभिषेक शर्मा के साथ ही साथ टी नटराजन को देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर वाला अगर रूल में अगर चेंजेस देखने को मिले तो यहाँ पर 2 विदेशी खिलाड़ी होंगे, वो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस रहने वाले होंगे। साथ ही साथ इसी तरीके के रूल के अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी 2 इंडियन प्लेयर जो हैं उसमें श्रेयस अय्यर और हर्षित राणा रहने वाले हैं, और साथ ही साथ जो 2 विदेशी खिलाड़ी रहने वाले हैं उसमें आंद्रे रसल और सुनील नारायण देखने को मिल सकते हैं। वैसे मुंबई इंडियंस के भी काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुंबई इंडियंस की टीम की अगर बात करें तो ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि मुंबई इंडियंस टीम जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा में किसी एक को अपनी टीम में जरूर रखना चाहेगी। वेल गाइस, आप क्या चाहते हैं कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम में बने रहें या नहीं, अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स हो सकता है कि ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इन 3 इंडियन खिलाड़ी के साथ, जैक फ्रेजर मैकगर्ग के साथ जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, उनके साथ जाते हुए नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं थाला की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जो भी महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं। हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिले, और साथ ही साथ जो मलिंगा के डुप्लीकेट तरीके से बॉलिंग करते हैं या उनकी कॉपी टाइप की बोलते हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं,
मथीसा पथिराना विदेशी गेंदबाज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स जाते हुए नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं जट वाली हमारी पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इनके टीम का कोई नया कैप्टन भी बने, हो सकता है शिखर पाजी इस बार हमको कैप्टेंसी करते हुए ना नजर आए, टीम भी इनको रिलीज़ कर देगी। वहीं अगर इन खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें हमें अर्शदीप सिंह, आशुतोष राणा, शशांक सिंह और एक विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो सैम करन नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं IPL 2025 के मेगा ऑक्शन की, कि IPL 2025 का मेगा ऑक्शन कब हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस वेन्यू पर ये IPL मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। IPL 2025 का जो मेगा ऑक्शन है वो आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा। इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, इसलिए हम इसको बताने से बच रहे हैं, लेकिन हाँ ये मान करके चलिए जो हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं, IPL 2025 का मेगा ऑक्शन आपको फरवरी के एंड में या फिर स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। और ये मेगा ऑक्शन 2 दिन तक चलने वाला है, और जिन शहरों में ये मेगा ऑक्शन देखा जा सकता है उसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता टॉप पर आते हैं। वेल गाइस, आपकी IPL की कौन सी फेवरेट टीम है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड अपडेट्स को टाइम टू टाइम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में रोहित शर्मा जरूर लिख देना, क्योंकि रोहित शर्मा IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं अगर मुंबई इंडियंस उनको रिलीज करती है, और ये IPL इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा कदम होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको हमारे वीडियोस और टाइम टू टाइम रेकमेंड होते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर जो भी नए अपडेट्स आते हैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेंगे। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।